मतलब तुमको बचा दे। ये नहीं हो पता है ना ट्रैफिक सिग्नल, उसको पता है कि कौन सा सिग्नल ग्रीन है ना, तो अब ये ग्रीन है तो जाने दे। आगे रेड वाला था और सभी गाड़ियां जा रही थी, तो ये बोल रहा है कि आप रुक जाओ। ये पावागढ़ का डूंगर है माउंट, नाइट में ऐसे दिख रहा है। और ये है मेन गेट जहाँ से हम पावागढ़ सिटी के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और ये है भद्र द्वार जहाँ से पावागढ़ गांव के अंदर हमारी एंट्री होती है। और उसको इसे दक्षिण का भद्र द्वार भी बोला जाता है। और यहाँ से पावागढ़ गांव के अंदर हमारी एंट्री होती है। और बहुत ही पौराणिक है पावागढ़, अपने आप में बहुत ही पौराणिक सिटी है। और पावागढ़ को फतेह राजा की नगरी बोलते हैं। और उसमें बहुत सारी मस्जिद भी है और ऐसे किले भी हैं। पूरा बहुत ही प्राचीन समय का, राजा रजवाड़े के समय का ये पावागढ़ है। और यहाँ भी ये सभा गेट है मेन गांव के अंदर। और इधर सामने छोटे छोटे वो पत्थर दिख रहे हैं, शायद वो उस जमाने में ऐसे लोग बैठा करते। आगे खाने के लिए खिचड़ी खावी ना। वो देखो ये धर्मशाला पावागढ़ अंदर है गांव के अंदर। और होटल भी बहुत सारी है, लेकिन इधर भी अच्छा है। राजा ने एक बार चल के आए थे ना, तो रुके थे इधर। ये पूरा पावागढ़ गांव है, बहुत ही अच्छा गढ़ के अंदर है। ये सामने दिख रहा है माउंट, ऊपर मंदिर भी दिख रहा है आपको। वहाँ पे अब जाएंगे, अभी 8:30 बजे है। और ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला को 101 साल हो गए हैं, अभी भी इतना ही अच्छा है। मतलब इसमें कोई ख़राबी नहीं है, रूम भी क्लीन है। इससे प्राइवेट होटल से भी अच्छा है। जय माता जी। સભા ગામ ચોરો ભરાતો મંદિર મસ્જિદ લાગે જે પૂરા કિલ્લો નથી किले के अंदर गांव है। ये गांव की चारों ओर है और अंदर जो गांव है, ये तूफान है ना वेद, तूफान गाड़ी है, कार सब वो डूंगर पर चढ़ती है ना, इसीलिए इजी रहता है इसमें। बहुत भागती है यहाँ से। क्या है राजा तो है, ये घाटी है, चाह पी आई थी जवाई। हाँ ओ
और भी गाड़ी ये जो देखो आपको वो दीवार दिख रही है ना, मम्मी रेड गाड़ी पीला है, मम्मी रेड गाड़ी ये रेड रेड गाड़ी ग्रीन ग्रीन। शाम को सब लाइन में थी ना वेद, अभी वो निकल रही है, सबकी बारी आती है ना पैसेंजर भरने की। मासी चा बे अर्धी आपो ने पानी बोटल छे मासी, पानी बोटल छे एक आपी देजो, नॉर्मल पानी एक बोटल, ठंडु नहीं। हम लोग तैयार हो गए हैं, अब जाएंगे मंदिर के ऊपर, अभी चाय पीनी है तो हम लोग यहाँ रुक गए हैं। सुबह एक बार चाय पी ली है, फिर भी थोड़ा एक बार और पी लेते हैं, तो अच्छा है, नाश्ता भी कर लिया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुजरात। चल के इधर आए थे राजपिपला से, हम चल के आए थे पैदल, 120 किलोमीटर पड़ता है, मस्त वहाँ रुके थे। पैदल जाने का यहाँ से आगे से दिखा आगे पैदल दो दिन में पहुँच गए, दो दिन लगा था, और एक तो फ्रेंड वगैरह का काफी हेल्प रहा था, तीन दोस्त थे उसका, तीन फ्रेंड, और पैदल चल के आए थे, राजा की मन्नत थी इसलिए। 101 साल हो गया लेकिन होटल से भी मस्त है, पावागढ़ धर्मशाला, गर्म पानी, रूम के अंदर बाथरूम, मेन रोड पे आपको हर जगह पे बोर्ड मिलेगा धर्मशाला धर्मशाला, बी ए जी जे को उधर ही पहुंच जाने का, होटल नहीं ढूंढने का। और उसमें ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी काफी अच्छा था, किला के अंदर ही है। ये वेफर भी आ गई है, दोनों की मैंने वेफर ले ली है। गैस ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही अच्छा है, और 2-3 किलोमीटर का है, और काफ़ी अच्छा है बनाया है। पहले हम एक बार गए थे तो इतना अच्छा नहीं था, सिंगल रोड था, अभी डबल हो गया है, और काफ़ी अच्छा बदलाव हो गया है, और बहुत ही बढ़िया है।
डोंकी डोंकी तरफ भटको भरे थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग आ गए हैं ऊपर। उड़न खटोल आते हैं, जाएंगे यहाँ जाऊंगा।